अभी हमारा क्या चैप्टर चल रहा है? आइडेंटिटी, है ना। तो आज उसी पे और काम करेंगे। आइडेंटिटी पे क्या होता है, जैसे एक तो आइडेंटिटी याददाश्त, पता है, मेमोरी, स्मरण शक्ति, हाँ, है ना, जो भी चीज याद रहता है ना, उसको इंग्लिश में मेमोरी बोलता है, ठीक है। तो हमारा आइडेंटिटी भी मेमोरी से बहुत जुड़ा हुआ है ना। जितना भी आप अभी जो लगता है आपको कि क्या है, जो भी है, क्या मंगल, तुमको लगता है कि मंगल कौन है, वो अपना गांव से याद आता है ना उसको, मैं इस गांव से है, गांव में ये करता था, मम्मी पापा ऐसा है, ये सब मेमोरी है ना सब। उसको लगता है कि वो अच्छा आदमी है क्योंकि शायद उसने अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा किया उनके लिए, अगर कुछ बुरा किया है कभी तो वो भी उसके दिमाग में है अंदर, वो चाहे बताएगा किसी को नहीं, है ना। सबके दिमाग में बहुत कुछ है ना अंदर, मेमोरी, याददाश्त है, स्मरण है, बहुत कुछ, अच्छा काम क्या होगा, बुरा काम क्या होगा, जो भी है। और उसी के चलते चलते हमारा आइडेंटिटी भी बनने लग जाता है ना। जैसा एक आदमी है वो बहुत गलत काम करते रहेगा तो धीरे धीरे उसकी याद में बस गया ना वो गलत काम, और वो धीरे धीरे वैसा ही बनेगा। तो आज थोड़ा मेमोरी पे बात करेंगे। और दूसरा ब्रेथ, ब्रेथ यानी क्या, ब्रेथ सांस, हाँ, जैसा हमने बात किया, कोई भी जो जीवित प्राणी होता है वो क्या करता है, सांस लेता है। तो आज इन दो चीजों पे, सांस और मेमोरी। और हाँ, एक और चीज कि वैसे मैं हर क्लास में आप लोगों को पीछे पड़ा रहता है ना कि बोलो बोलो बोलो, आज बोलने का नहीं, आज बिल्कुल आवाज नहीं आने से, ठीक है, आज शांत रहने का, ठीक है। पता है होगा, वैसे दूसरे क्लास में बात किया होगा आज क्या हुआ है, नहीं नहीं पता है, बिल्कुल पता है, योगा करते हो ना जैसे रोज, कुछ उसी तरह का, लेकिन दिमाग में ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, बॉडी में कुछ ऐसे नहीं करना, डांस वांस नहीं करना, दिमाग में ध्यान देगा, ठीक है। तो पहले तो एक मिनट ले लो, थोड़ा शांत हो जाओ, हाथ वाथ ऐसे ऐसे थोड़ा हिलाना है, कर सकता है, हंसी आ रही है, हंसी निकाल दो दिमाग से, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा आसपास देखो, पेड़ वेड़ अच्छा है, क्या हुआ, मुझे बोलो, औरों को नहीं बोलना है। बात नहीं करना है, बात नहीं करना है, अपने में शांत, दिन भर बात करते रहते हैं तुम लोग, अपने पे ध्यान करो आज, बस अपने पे, ठीक है। ध्यान क्या होता है, ध्यान पता है, हाँ, किसी भी चीज के बारे में सोचना, एक ही चीज के बारे में ध्यान देना, जो भी तो तुम्हारा जो पहले जो क्या है, बाबा लोग है, ऋषि मुनि लोग, ये सब यही करते थे, उसी के चलते वो इतना इवॉल्व हुआ है, बड़ा आदमी बना है, ठीक है। सेटल हो गए सब, ध्यान शुरू करें फिर। सीधा बैठो, थोड़ा सा कोशिश करो सीधा बैठने का, अच्छा लगेगा, हाँ, आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर ऐसे ही बैठो, सांस लेते रहे, नॉर्मल सांस लेते रहते। सांस पे ध्यान दो अपना, कैसे नाक से अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, गले के नीचे, लंग्स में जा रहा है, फुसफुस में, इधर उधर जा रहा है, पूरे शरीर तक पहुंच रहा है वही सांस, जो हवा आपके आसपास है, बाहर है, एटमॉस्फेयर में है, वही आपके अंदर भी है, उसी की वजह से हम जिंदा है। तो उस सांस पे आप थोड़ा हवा पे ध्यान दीजिए, अंदर जा रहा है फिर वापस बाहर आ रहा है नाक से, यही चलते रहेगा, इस पे ध्यान दीजिए, इससे दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। मैं धीरे धीरे, आप आवाज सुनते रहिए, आंख मत खोलना, कुछ कुछ मैं बताऊंगा और इस चीज पे, मेमोरी पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा आधा मिनट और ले लो, थोड़ा शांत हो जाएगी। इधर उधर कहीं खुजली होगा, बॉडी हिलाने का मन करेगा, कंट्रोल करने का कोशिश करो और सांस लेते रहिए, सांस लेना बहुत जरूरी है, ठीक है।
धीरे धीरे एक ऐसा टाइम सोचिए जब आप बहुत खुश थे, कुछ भी हुआ था, क्या हुआ था, किसी ने कुछ दिया था शायद, या फिर कुछ त्योहार चल रहा था, या कुछ भी हो रहा था, तो धीरे धीरे उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। याद करने की कोशिश कीजिए कहाँ थे, किसके घर पे थे, किस जगह पे थे, और इतना खुश क्यों थे, क्यों था इतना खुशी, और उस खुशी को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। जब खुश थे इतना बॉडी में क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था, खुशी क्या है, ये सब सोचना। याद करने की कोशिश करो किस कमरा में बैठा था, क्या क्या फर्नीचर था, कुर्सी था, किस रंग का था। अभी ऐसा होना चाहिए कि आप वहीं उसी जगह पे बैठे और वैसे ही इतना खुश है अंदर। सबसे खुश था जब वो टाइम जिंदगी का याद करो, जब सबसे खुश था उस टाइम के बारे में सोचो। तो जो वो खुशी क्यों हुई थी और उस खुशी के बाद खुशी खुश होने से क्या हुआ, उसके आगे आपके दिमाग में क्या चला। और अब धीरे धीरे उस मेमोरी से वापस आइए, आंख बंद रखिए, सांस लेते रहिए, वापस इस जगह पे आइए। खुले आसमान के नीचे बैठा है आप, पेड़ पौधे आसमान, अच्छी जगह पे बैठा है, ग्राउंड पे बैठा हुआ है, अपने दोस्तों के साथ बैठा है, अच्छी जगह है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा। अब हम वापस यहाँ पर हैं और सांस लेते रहिए, लंबा सांस। अब धीरे धीरे एक ऐसा टाइम याद कीजिए जब आप सबसे ज्यादा दुखी थे, क्या हुआ था, क्यों था इतना दुखी, किसी ने कुछ डांटा था, मारा था, फेल हो गया था, कुछ गलत काम किया था, क्यों था इतना दुखी, वो याद करना। कहाँ पे था, कैसे हुआ दुख, किस जगह पे था, क्या कहाँ बैठा हुआ था, किस चीज पे बैठा हुआ था, क्या कलर था उस वक्त आसपास, और कौन लोग था, ये चीज समझना है। क्यों था इतना दुखी उस वक्त, और जब इतना दुखी था तो क्या चल रहा था बॉडी में, दिमाग में, क्या है दुख, क्यों हुआ, और उसके बाद दुख की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे याद करो। इतना डिटेल में याद करो कि आप वापस उसी जगह पे और उतना दुखी आपको फिर से लग रहा है, याद करो धीरे धीरे। सांस लेते रहिए, दिमाग अगर इधर उधर जा रहा है उसको कंट्रोल करने का कोशिश करो। दिमाग बहुत मुश्किल चीज है, इधर उधर हमेशा जाते रहे, उस पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है, और ऐसे ही कंट्रोल आएगा धीरे धीरे जब आप अपने आप को समझेगा। अब वैसे ही धीरे धीरे वापस आइए, उस दुख को अब भूलना है, वापस आइए इस जगह पे, जंगल के बीच में बैठा है, पहाड़ है, पेड़ पौधा है, हर जगह वो खुला फील्ड में बैठा है, आप लोग अच्छी जगह में अपने दोस्तों के साथ, यहाँ कुछ बुरा नहीं है, शांति से वापस आए यहाँ पे, और सांस लीजिए फिर से, लंबा सांस लेते रहिए।
अब एक वैसे एक ऐसा टाइम याद कीजिए जब बहुत ज्यादा शर्म आई थी या फिर बहुत बुरा लगा था, कुछ गलत काम किया था, बहुत शर्म आई थी। क्या काम किया था ऐसा, इतना शर्म क्यों आ रहा था, क्या किया था ऐसा, किस वजह से, और शर्म की वजह से क्या हुआ, दिमाग पे क्या असर पड़ा, पूरा उस डिटेल को याद कीजिए। कहाँ बैठा हुआ था, किस चीज पे बैठा हुआ था, किससे बात कर रहा था, आपके साथ कौन था, सब याद करो कहाँ पे था। एक एक डिटेल आपके दिमाग में आना चाहिए, अभी सब मेमोरी में है, सब अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर लाओ, वो जानना बहुत जरूरी है, तभी अपने आप को समझेंगे। बहुत शर्म थी, क्यों आ रही थी इतनी शर्म, क्या चल रहा था दिमाग में, बॉडी में, याद करो फिर शर्म क्या है। वैसे ही शर्म से धीरे धीरे बाहर आओ, उस मेमोरी से बाहर आइए, वापस इस जगह पे, स्कूल के पास है, अच्छी जगह में है, ऊपर आसमान है, खुला आसमान है, जो हवा आसमान में चल रही है वही आपके अंदर भी चल रहा है, अंदर जा रही है बाहर जा रही है, उस हवा को महसूस कीजिए, नाक से अंदर जा रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है, वहीं से एनर्जी आ रहा है, उसी की वजह से हम जिंदा है, हर प्राणी में यही सांस चल रहा है, यही एनर्जी चल रही है, उस सांस को महसूस कीजिए। शरीर में कुछ कुछ चल रहा होगा, एनर्जी इधर उधर शायद महसूस हो रहा होगा, उस पर भी ध्यान दीजिए, और धीरे धीरे सांस को निकालिए, सांस अंदर लो बाहर, ध्यान दो इस पे, सांस कैसे अंदर जाता है कैसे बाहर जाता है, इसी चीज की वजह से हम जिंदा हैं। अब एक ऐसा टाइम कीजिए याद जब बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्यों आया था इतना गुस्सा, कहाँ पर थे, ऐसा क्या हो गया था, किसी ने कुछ बोला था, किसी ने मारा था, क्या हुआ था, कुछ घूम गया था, इतना गुस्सा क्यों आया, कुछ गलत काम हो रहा था, उस गुस्से को याद कीजिए, क्यों था इतना गुस्सा, क्या चल रहा था उस दिमाग में, उसको याद कीजिए, उस पे रहिए गुस्से के साथ थोड़ी देर। को भी भूलिए, उस गुस्से से बाहर आना धीरे 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 धीरे, वापिस इस जगह में है, कांक्या में है, खुला फील्ड में बैठे हैं, अच्छी जगह में बैठे, यहाँ कुछ गलत नहीं होगा, अपने दोस्तों के साथ बैठे, सांस लेते रहिए, सांस से ही सब कुछ। वैसे ही एक टाइम याद कीजिए जब किसी के लिए बहुत प्यार आया, शायद माँ के लिए हो, शायद पापा के लिए हो,
शायद किसी दोस्त के लिए हो, किसी के लिए भी, शायद किसी जानवर के लिए हो, या किसी के लिए भी नहीं, लेकिन बहुत प्यार था दिल में, लव, उस चीज को याद करो, कैसा लग रहा था उस वक्त शरीर में, दिमाग में, क्या है लव, उस चीज को समझिए, ध्यान दीजिए उस पर, याद करो किसके साथ थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। बॉडी में ऊर्जा चल रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए साथ में, और उस फीलिंग, जो प्यार का जो फीलिंग था उसको याद कीजिए, भूल जाओ जो जो भी कुछ लोग प्यार के बारे में बोलते हैं, जो वो फीलिंग था आपके शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, बस उसको याद कर। मूवीज में जो बताता है, जो कोई और बताता है, वो सब भूल जाओ, जो आपको लगा था उसको वो याद कर। फील्ड में बैठे हैं, अच्छी जगह में बैठे और सांस चलते रहेगा। और अब लास्ट सबसे जरूरी चीज, शांति। एक ऐसा टाइम याद करो जब आप वो पूरे शरीर में, दिमाग बिल्कुल शांत था, उस वक्त कुछ नहीं चाहिए था, किसी से बात करने का मन नहीं था, ना दुख था ना खुशी था, बस शांत थे, सब कुछ अच्छा था, उस वक्त खुशी भी नहीं थी, कुछ डांस करने का मन नहीं कर रहा था, बस शांत था, बस उसी टाइम में आप रहना चाहते थे हमेशा के लिए। एक ऐसा टाइम याद करो जब इतना शांति था, और उस शांति को अभी महसूस करने का कोशिश करो, अभी भी आप शांत जगह में बैठे, अच्छा जगह में बैठे, उस शांति को याद करो, क्यों था वो शांति, क्या है, दिमाग में क्या चल रहा था, उसका दिमाग खाली था क्या, याद करो। धीरे वापस यहाँ पर है, वापस फील्ड में है, दोस्तों के साथ बैठा है, अच्छी जगह में बैठा है, अच्छे लोगों के साथ, यहाँ कुछ गलत नहीं होगा, शांति से बैठो। थोड़ी देर, अब 5-10 मिनट हम और यही करेंगे, सांस लेते रहिएगा धीरे धीरे। और अब हम क्या करेंगे, दिमाग को थोड़ा देर कंट्रोल करेंगे, दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, उस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है, दिमाग को खाली रखना है, कुछ नहीं आना चाहिए दिमाग में, अभी ध्यान खाली रखो, बस ध्यान देते रहो बॉडी पे और सांस पे, सांस अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, सांस अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, बॉडी में फैल रहा है, उस पे ध्यान दीजिए। जब तक सांस पे ध्यान रहेगा दिमाग खाली रहेगा, दिमाग पे कंट्रोल रहेगा, तो सांस पे ध्यान दीजिए, दिमाग खाली रहना चाहिए, कुछ नहीं चलना चाहिए अभी दिमाग में, भूल जाओ आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ था, अभी भूल जाओ, बस अभी इस टाइम पे है, यहाँ बैठे हुए और शांत, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी जगह पे बैठे, बस यही है, दिमाग खाली, हवा महसूस कीजिए, जो हवा बाहर है पूरे पृथ्वी पे, वही हवा आपके अंदर भी है, वही हवा आपको जिंदा रखती है, उस हवा पे ध्यान दीजिए, सांस लेना है
सांस बाहर, हवा अंदर हवा बाहर, बॉडी पे ध्यान दीजिए। नाक से अंदर जा रहा है, पूरा फैल रहा है शरीर में, और फिर वापस शरीर से बाहर जा रहा है। इसी सांस से पूरा दुनिया चल रही है, सब कुछ इसी से जुड़ रहा है। शरीर के अंदर और भी कुछ आपको शायद महसूस हो रहा होगा, पैरों पे ध्यान दीजिए धीरे धीरे, फिर पैरों से ऊपर आइए, पेट पर आइए, वहां से और ऊपर छाती पे, धीरे 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 ध्यान दो अपने बॉडी पे, क्या चल रहा है बॉडी के अंदर। अभी नीचे से शुरू करो पैरों से, और धीरे धीरे ऊपर चलिए, धीरे धीरे सांस लेते रहना। चेस्ट पे आइए, छाती पे आइए, धीरे धीरे दिल पे, गले पे, धीरे धीरे आंखों के बीच पे लाइए ध्यान अपना। चलते रहिए धीरे धीरे ऊपर आते रहे, और फाइनली दिमाग पे। अगर दिमाग कहीं इधर उधर जा रहा है, कुछ सोच रहा है, तो दिमाग को रोको वहीं पे कि क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और वापस सांस पे ध्यान देने लग जाए। जब तक सांस पे ध्यान देगा सब कुछ सही है, दिमाग खाली है, कंट्रोल है दिमाग पे। दिमाग कंट्रोल पे रखना है, सांस लेते रहना है, 5 मिनट तक ये कीजिए और शांत। बॉडी का ऊर्जा महसूस कीजिए, पैर से लेकर सर तक वही चल रहा है, सांस है, सांस अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, दिमाग खाली रख रहा है। 5 मिनट तक ये कीजिए। एकदम शांत, बाकी जो लोग थक गया है वो धीरे धीरे शांति से अपना आप खोल सकता है, अपनी जगह बैठे रहो और किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। अभी लोग बैठा है, जो थक गया है वो आँख खोल सकता है, जितना कोशिश हो सकता है कीजिए। 2 मिनट हो गया है, लेकिन अभी टाइम को भूल जाओ। हर मनुष्य के अंदर यही चल रहा है, ध्यान दीजिए, ये असली आइडेंटिटी।
लोग थक गए आप बोल सकता है कोई बात नहीं, बस शांत बैठो और को तंग डिस्टर्ब नहीं, ठीक है। आराम से बैठिए, आसपास लोग अभी भी बैठे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है चलिए अब आप खोल सकते हैं सब, धीरे धीरे आराम से वापस आओ, आराम से वापस आओ, नींद में बैठा है खुला, सब खोल दिया ना। क्या लगा कुछ लगा हा? कोई सो भी गया था क्या? तो ठीक है, अब ये अगर कोई अगर कुछ बोलना चाहता है तो कोई बोलना चाहता है कुछ कि क्या लगा महसूस हुआ कुछ है, कोई बताना चाहेगा? नहीं, ठीक है, अपने में सोचो, ठीक है, अपने में आज जाके सोचो कि जब ये सब कर रहे थे तो क्या अंदर बॉडी में या फिर दिमाग में क्या महसूस हुआ, क्या याददाश्त मेमोरी क्या आई, उस मेमोरी की वजह से अभी तक आपका क्या, अभी तक वो मेमोरी फंसा हुआ अंदर क्या, अगर कुछ बुरा हुआ था 5 साल पहले अभी तक के अंदर फंसा हुआ है क्या वो, उसके वजह से क्या अभी का जीवन खराब हो रहा है, हो सकता है ना। जैसे मेरे बचपन में मेरे साथ मान लो कुछ 10 साल पहले कुछ गलत हुआ था, मैं शायद उसको भूल गया हूँ लेकिन दिमाग में अभी तक है और अभी तक वो मेरा आइडेंटिटी अभी तक बना रहा है। जैसे मान लो बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कहीं गिर गया था, तो शायद मैं अभी तक गाड़ी चलाने से डरता हूँ, अभी नहीं चला पाऊंगा क्योंकि बचपन में कुछ हुआ। तो ये सब चीजें पे हम है, तो ये सब सोचो आज, ठीक है, क्या हुआ, क्या महसूस किया और क्यों किया था ये सब, ठीक है, आपस में सोचो, बात करो, जैसा भी, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, अगर मेरे से बात करना चाहता है तो कभी भी आ सकते हो, ठीक है, चलो। बाय कर दो, बाय 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 बाय